जिनके ऊपर लोगों के जान माल के रक्षा की जिम्मेदारी हो, अगर उन्हीं से इस पर खतरा महसूस होने लगे तो किसी परिवार की क्या हालत हो सकती है, यह इस वीडियो में गुहार लगा रही बच्ची की बातों को सुनकर समझा जा सकता है। यह बच्ची उस इंद्रकांत त्रिपाठी की भतीजी है जिनकी कल इलाज के क्रम में मौत हो गई थी। उन्हें एक सप्ताह पूर्व अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी। 44 वर्षीय इंद्रकांत त्रिपाठी एक व्यवसायी थे और उन्होंने वहां के तत्कालीन एसपी मनीलाल पोतीदार के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए थे और उन पर वसूली के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया था। बच्ची की बातों से आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे और उन्होंने कुछ सबूतों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अपनी शिकायत भेजी थी, जिसके बाद उस एसपी को सस्पेंड कर दिया गया था। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा पांडे है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारी मदद करें। हमारा पूरा परिवार आज संकट में है। मेरे चाचा इंद्रकांत त्रिपाठी, जो कबरई के लाइसेंसी विस्फोटक और क्रेशर के व्यवसायी हैं, 8 तारीख को एसपी महोबा मणिलाल पाटीदार द्वारा उन्हें गोली मरवाई गई। मेरे चाचा को उनकी हत्या की एसपी द्वारा आशंका पहले से ही थी, क्योंकि एसपी मणिलाल पाटीदार ने उन्हें बुलाया था और उनसे कहा था कि तू मुझे हर महीने 6 लाख रुपए दे, अगर तू नहीं देगा तो मैं तेरे परिवार और तुझ पे इतने फर्जी आरोप लगा दूंगा सट्टेबाजी के और अवैध विस्फोटक के कि तू चाह कर भी कभी भी जेल से वापस नहीं आ पाएगा। चाचा ने कहा कि मेरा धंधा ठप पड़ा है सर, मैं आपको हर महीने 6 लाख रुपए नहीं दे सकता हूँ। इस पर उन्होंने खूब गाली गलौज किया और ये कहा कि अगर तूने इसके बारे में किसी को भी बताया, किसी भी मंत्री का फोन करवाया, किसी को भी मेरे खिलाफ कंप्लेंट की, तो मैं तेरी हत्या करवा दूंगा। चाचा देने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे सबूत पत्रकारों को देंगे और साथ ही साथ उन्होंने लिखित रूप में सबूतों के साथ शिकायत योगी आदित्यनाथ जी को की थी। इसकी भनक एसपी को लग गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से ही पहले 8 तारीख को उन्हें यहां पर उसने गोली मरवा दी। और आज मेरे चाचा की हालत इतनी गंभीर है, वो कानपुर के रिजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट है और आज उनकी हालत इतनी गंभीर है कि पूरा परिवार सकते में है और हम सभी को डर है कि हमारे पूरे परिवार पे कोई संकट ना आए, क्योंकि चाचा को अगर कुछ भी हो गया वो कुछ बोल नहीं पाएंगे और वो हमारे परिवार को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप हमारी मदद करें। मेरे चाचा के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी रक्षा कीजिए। योगी आदित्यनाथ जी, आपने एसपी महोबा को सस्पेंड तो कर दिया है, पर हम पे जो संकट आया है उसको दूर कीजिए। मेरे चाचा को इंसाफ दिलाइए। हमारे पे जो एक खतरा मंडरा रहा है सर, हमारी रक्षा कीजिए। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, मीडिया कर्मियों से, बड़े अधिकारियों से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि हमारी मदद कीजिए। मेरे चाचा के प्राण संकट में है, उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें पूरे परिवार को जान और माल का खतरा है, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। इंद्रकांत त्रिपाठी को 8 सितंबर को उस वक्त गोली मार दी गई थी जब वे अपनी कार से कहीं जा रहे थे। गोली उन्हें गर्दन में मारी गई थी। गोली मारे जाने के पहले उन्होंने तत्कालीन एसपी मनीलाल पोतीदार के ऊपर कई तरह के संगीन आरोप लगाए थे। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था। उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर कई तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। वीडियो में आप सुन सकते हैं कि उनकी भतीजी ने भी इसी तरह के की बात कही है और यह भी कहा है कि इसे लेकर वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे थे। हालांकि अब उनकी मौत हो चुकी है और रविवार की शाम उनकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। यह जानकारी उनके बड़े भाई रविकांत त्रिपाठी ने मीडिया को दी है। रविकांत त्रिपाठी ने यह भी आरोप लगाया कि पोतीदार उनके परिवार से और उनके छोटे भाई से पैसों की मांग कर रहे थे और जब कहा गया कि वे इसमें असमर्थ हैं तो उन्हें धमकी दी जाने लगी। इंद्रकांत को गोली मारे जाने के 3 दिन बाद उनके भाई रविकांत ने
एक FIR दर्ज कराकर यह आरोप लगाया था कि पाटीदार और तीन अन्य लोग उनके भाई को पैसों के लिए परेशान कर रहे थे। तीन अन्य लोगों में काबरी पुलिस स्टेशन के SHO देवेंद्र शुक्ला और एक लोकल बिजनेसमैन ब्रह्म भट्ट के भी नाम बताए जाते हैं। इंद्रकांत एक्सप्लोसिव के व्यवसायी थे, एक्सप्लोसिव अर्थात गोला बारूद के लाइसेंसी व्यवसायी थे और हाल के दिनों में उनका धंधा ठीक चल नहीं रहा था। इस वीडियो में बच्ची सीधे आरोप लगा रही है कि उनसे 6 लाख रुपए प्रति माह की मांग की गई थी, जिसे वे देने में असमर्थ थे और इसे ही लेकर यह सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। वैसे तो हमारे देश में पुलिस प्रताड़ना कोई नई बात नहीं है और न ही कोई आश्चर्यजनक बात है। ऐसे आरोप अक्सर सामने आते रहते हैं। मामला चाहे हिरासत में मौत का हो या बेगुनाह निर्दोष लोगों के ऊपर पुलिस प्रताड़ना का मामला हो, पुलिस की मार पिटाई का मामला हो, ऐसे मामले हर राज्य से सामने आते रहते हैं। लेकिन वीडियो में बच्ची जो आरोप लगा रही है वे आरोप काफ़ी संगीन और गंभीर हैं और जो वो गुहार लगा रही है, अगर किसी के भी परिवार के साथ वैसी स्थिति बन जाएगी तो कोई भी ऐसी ही गुहार लगाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस गुहार के बाद योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार इसमें क्या कदम उठाती है, उस पीड़ित परिवार को क्या सुरक्षा मिल पाती है, क्या जिन पर आरोप लगे हैं उन आरोपों की सही से जांच कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है या मामला ऐसे ही लीपापोती में चला जाता है।